सदन, सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी एसओ इस बात का ध्यान रखे, जब भी गंगा फैशन में ड्यूटी पर आते हो तो सबसे पहले मास्क लगाए, सैनिटाइजर करे और थर्मागन से टेम्परेचर नापे। बिना मास्क का, बिना सैनिटाइजर का और बिना टेम्परेचर का कोई भी सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर और एसओ गंगा फैशन में ड्यूटी पर नहीं चढ़ेगा। जब तक वो मास्क नहीं लगाएगा, सैनिटाइजर नहीं करेगा और थर्मागन से टेम्परेचर नहीं नापेगा, गंगा फैशन में काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार का आदमी, एम्प्लॉय वर्कर, अधिकारी, ऑफिसर, विजिटर, ड्राइवर, कोरियर, सेल्समैन, जो भी व्यक्ति गंगा फैशन के मेन गेट से अंदर एंट्री करेंगे, वो सभी लोग मास्क लगाएंगे और सैनिटाइजर करेंगे और थर्मागन से टेम्परेचर नापेंगे। इस बात का ख्याल सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी एसओ ने हमेशा याद रखना है। प्राइड सैल्यूट। जब भी कोई अधिकारी या ऑफिसर आपके ड्यूटी पोस्ट पर आते हैं और जाते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी एसओ का कर्तव्य बनता है सिखाए हुए तरीके से उनको सम्मान देना है, उनको सैल्यूट करना है। डन। आप लोगों की ड्यूटी 8 बजे है, आपको 7:45 के ऊपर गंगा फैशन में प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ आना है। नंबर 1 कैप, नंबर 2 मास्क, नंबर 3 शोल्डर बैच, नंबर 4 लिनियन, नंबर 5 बेल्ट, नंबर 6 सेफ्टी शू हमेशा पहन कर आना है। अपनी ड्यूटी के दौरान कोई भी सिक्योरिटी गार्ड, कैप, मास्क, शोल्डर बैच, लिनियन, बेल्ट और सेफ्टी शू नहीं उतारेगा। अपनी ड्यूटी सतर्क पूर्वक करेगा, अलर्ट करेगा, चारों तरफ ध्यान देगा, हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखेगा। गंगा फैशन से जो भी मटेरियल, जो भी सामान आता है जाता है, तो सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर सामान को, मटेरियल को अच्छी तरह चेक करेंगे, पेपर में जो लिखा है उसके मुताबिक सामान को चेक करेंगे और मटेरियल रजिस्टर में एंट्री करेंगे। बिना पेपर का, बिना एंट्री का, बिना चेकिंग का कोई भी सामान, कोई भी मटेरियल गंगा फैशन से बाहर नहीं जाएगा, ना ही तो अंदर आएगा। इस बात का ख्याल सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी एसओ को हमेशा याद रखना है। प्राइड विश्राम।